दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने इस सीरीज के मेरे सारे ट्यूटोरियल्स ठीक से समझ के प्रैक्टिस किए होंगे। तो चलिए, आज हम हमारा राष्ट्रगान अर्थात जनगण मन सीखते हैं। कृपया ध्यान रहे कि ये अपना राष्ट्रगान है, इसके सम्मान को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। कृपया सतर्क रहे कि इसकी प्रतिष्ठा में कभी भी किसी भी तरीके की बाधा न आए, इसलिए आप इसे पब्लिकली तब बजाइए जब आप इसे धारा प्रवाह रूप से अर्थात फ्लुएंटली बजा पाओगे। जब आप इसे सीख रहे हो तो कृपया ऐसा एकांत में ही कीजिए। तो चलिए, हम इस नोटेशन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो नोटेशन काफी आसान है, मोस्टली 1 बीट में। ये 1 1 8 के दो नोट्स हर जगह में, यही पैटर्न ज्यादा करके दिखाई दे रहा है। और इसे कैसे बजाना है वो अब तक आपने मेरे पहले वीडियो से सीखा है, जैसे कि 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड, तो सा रे ग ग ग ग ग, इस तरह से ये सब बजेगा। और अभी तक आप 1 बीट में ये 2 1 8 के नोट पढ़ने में एक्सपर्ट हो चुके हो। देखिए, यहाँ पे एक तीव्र म है, यानी कि एफ शार्प। ये कुछ अलग सा मेजर है। यहाँ पे देखिए, ये जो सेकंड बीट है, ये सेकंड बीट और ये थर्ड बीट है। तो ये सेकंड बीट का जो सेकंड हाफ है, मतलब ये जो 1 8 नोट है प, वो यहाँ पे टाई किया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि ये नोट बजेगा और ये नोट उसके ड्यूरेशन तक होल्ड होगा, ये फिर से बजेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये कैसे बजेगा, 1 2 3 4। तो ये प प प प प प प, फिर से देखिए, प प प प प प, ये ऐसे नहीं बजेगा, प प प प प प प। तो ये प बजेगा नहीं, लेकिन यही जो नोट है, यही ये ड्यूरेशन के लिए कंटिन्यू होगी। फिर से एक बार देखिए, प प प प प प। इसको ठीक से समझ लीजिए, उसका थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, ये आपके ध्यान में बिठा लीजिए उसको, इसका रीडिंग कैसा होता है, इसका वजन कैसा है, वेट कैसा है, इसका फील कैसा है, ये आपके जहन में एम्बेड होना चाहिए, फिट होना चाहिए। इसके बाद में बाकी सब तो सिमिलर ही है। यहाँ एक आज मैंने एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया है, ये जो मार्किंग है, ये फ्रेज मार्किंग है। तो जब भी हम नोटेशन पढ़ते हैं, तो आप अगर फ्रेज फ्रेज यानी म्यूजिकल सेंटेंस, तो ये म्यूजिकल सेंटेंस जो फ्रेज है, उसको आप अगर ठीक से लोकेट करते हो तो आपका बजाना बहुत आसान होता है। कई बार नोटेशन के साथ में ये फ्रेजिंग लिखा होता है, कई बार नहीं भी लिखा होता है, लेकिन हमें अपने आप खुद को वो जो फ्रेजिस है वो लोकेट करने की जो कला है, वो उससे आप हमें विकसित करनी है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये पहला फ्रेज है, ये सारे ग ग ग रे ग म। तो यहाँ पे एक फ्रेज पूरी होती है। टू ट्राई टू फाइंड आउट दैट फीलिंग वेयर द फ्रेज इज एंडिंग, आपको क्लियरली समझ में आता है कि वो फ्रेज कहाँ पे एंड होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी मार्क करके दिया हुआ है। अभी ये जो नेक्स्ट फ्रेज है, वो यहाँ से यहाँ तक है। देखिए, ग ग ग रे 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 नी रे सा। फिर से देखिए, ग ग ग रे 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 नी रे सा। यहाँ पे सेकंड फ्रेज है, इसके बाद में तीसरा फ्रेज यहाँ से शुरू होता है। इस तरह से जब आप उसको बजाओगे, उसका टोन
जब आपको पता चलेगा तो आपको ये फ्रेज ट्रेस करने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम इसे सॉफ्टवेयर के जरिए ही बजाते हैं। इसका टेम्पो है 120 ppm। आप इसे जितना हो सके उतना स्लो टेम्पो में बजाइए, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जब आप ठीक से बजा पाओगे तब आपको आप इसे 120 BPM नहीं लेकिन उसका 80% मैं यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग करता हूँ, इसलिए इसका 80% हम करते हैं। और फिर देखते हैं कैसे बजेगा। अभी इसको इसके ओरिजिनल टेम्पो में यानी कि 120 BPM में बजाएंगे। दोस्तों जब आप इस ट्यून को सुनोगे तो इन फ्रेजेस को नोटिस करना सीखिए। जैसा कि ये पहली फ्रेज है, देखिए कैसे साउंड होता है, आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये फ्रेज यहाँ पे खत्म होती है और दूसरी फ्रेज यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म होती है, तीसरी फ्रेज यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म होती है। देखिए हम ट्यून लगा के उसको सुनते हैं। वीडियो को रिपीट करके इसके बार बार सुन के देखिए, आपको ये जो फ्रेज यहाँ पे खत्म होती है क्लियरली आपके ध्यान में आ जाएगी। ये जो फ्रेज है यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म होती है आपके क्लियरली ध्यान में आ जाएगी। और मोस्टली जो फ्रेजेस रहते हैं वो गाने का जो लिरिक्स रहता है उसमें उसके सेंटेंस की तरह ही मोस्टली होता है वो। लेकिन जहाँ पे सिर्फ म्यूजिक पीस हो, लिरिक्स ना हो, उस जगह में भी कुछ फ्रेजिस नोटिस होते हैं हमें, उसे आपको ट्रेस करना है। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।